हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सकीनास क्रिएटिव्स कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हमने बनाया है अचार। यह हमारा अचार बनके एकदम तैयार हो गया है। इस तरह आप भी बनाओगे अचार, और चलिए हम बनाना सिखाते। तो चलिए अब मेरे साथ बनाइए अचार। कैसे बनाना है हम दिखाते आपको। आज हम आम का खट्टा अचार बनाने जा रहे हैं। खट्टा अचार बनाने के लिए हमने 3 आम लिए हुए हैं। अभी क्या करेंगे, हम 3 आम को टुकड़ी में काट लेंगे। तो आपको दिखाते हैं कैसे टुकड़ी बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आम को काट लेंगे। आम को कैसे, ऐसे पूरा हमको काट लेना है। ऐसे इसे काट के ऐसे हमको टुकड़ा कर लेना है आम का, बड़ा बड़ा ऐसे हम टुकड़ा कर लेंगे आम का। उसके बाद उसको टुकड़ा सब करके हम आपको मिलते हैं। अब ये हमारे आम कट चुके हैं, हमने आम काट लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्दी डालेंगे 2 चम्मच, और डालेंगे नमक। 2 चम्मच नमक दे दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला के 2 दिन ऐसे ही छोड़ देंगे कपड़ा बांध के इसके ऊपर, या तो कांच का बर्नी में हम डाल देंगे इसको। ये हल्दी और नमक को हम आम के ऊपर चढ़ा दिया। अब इसके लिए हम थोड़ा लहसुन तैयार। अभी हम क्या करेंगे, दम फुटा के गरम करके रख लेंगे अचार आटने के टाइम में, वो हमारे जरूरत है, ठंडा हो जाना चाहिए। ये हमारा अचार का ये तैयार हो चुका है। ये हमने हल्दी और नमक दे दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, इसको बंद कर गैस पे सरसों का तेल चढ़ाएंगे। तेल का टपेली को गरम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये 1 लीटर तेल है हमारे पास सरसों का, वो डाल देंगे। हम अचार बनाएंगे सरसों तेल में। इसमें हम सरसों तेल को गरम कर लेंगे, फुटा लेंगे पूरा। सरसों तेल से एकदम टेस्टी और मजेदार अचार बनता है हमारा। पूरा ही 1 लीटर हम तेल गरम कर देंगे। हम गैस को चलाएंगे, गरम करने के धीमा आंच में छोड़ेंगे। ये हमारा तेल अभी एकदम गरम हो चुका है, तब हम लहसुन देके देख लेते हैं। ये हमारा लहसुन फ्राई होने लगा। ये हमारा तेल एकदम रेडी हो चुका है। अभी क्या करेंगे, 2 मिनट बाद हम गैस को बंद करेंगे। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी तेल को एकदम ठंडा होने देंगे, तब जाके हम एकदम ठंडा हो जाएगा और 2 दिन ये नमक चढ़ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सुखाएंगे, उसके बाद उसका अचार बनाएंगे। तब मिलते हैं फिर से हम। ये हमने नमक का पानी और हल्दी का पानी में दिया हुआ था, तो सुबह से हमने इसमें निकाल के धूप में थोड़ी देर छोड़ दिया था, 2-4 घंटा। अब हम क्या करेंगे, अचार बनाएंगे। तो इसके लिए हमने मसाला रेडीमेड लिया हुआ है, और थोड़ा सा कुरिया भी लिया हुआ है राई का, और हमने सरसों तेल तो गरम कर ही लिया है। ये हम सब मसाला इसमें ले लेंगे। ये हमारा रेडीमेड मसाला है अचार का। ये हमारा अचार का रेडीमेड मसाला है। थोड़ा सा हम इसके साथ मिलाएंगे राई का कुरिया, ताकि हमारा मसाला थोड़ा ज्यादा हो। लाल मिर्चा सब कुछ इसके अंदर
कंप्लीट आ चुका है और हमको थोड़ा मसाला ज्यादा करना है, इसलिए हमने थोड़ा रायका कुरिया अंदर मिला दिया है। ये अचार बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनता है, खाने के लिए बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनता है। अब इसके लिए हमने लहसुन भिगाया है, जो इसका पानी निकला था, आम का बोरा दिया हुआ, इसके अंदर हमने लहसुन और मिरी को भिगा दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही पानी इसके अंदर डाल देंगे, हल्दी वाला। ये नमक वाला और लहसुन वाला पानी दे दिया हमने। अब इसके अंदर हम तेल डालेंगे। ये हमने सरसों का तेल गरम करके छोड़ दिया था, अब इसके साथ हम तेल मिला लेंगे। ये अचार बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनेगा आपका। लहसुन देंगे ना, इसका लहसुन का टेस्ट आता है। अब हमने जो ये केरी किया है तैयार, उसको हम मिला देंगे इसके अंदर। बारह महीने तक इसका कुछ नहीं होता है। तेल इसमें ठीक होना चाहिए, लेकिन तेल अच्छे से रहेगा आपका अचार एकदम बेस्ट बनेगा और खराब भी नहीं होगा। थोड़ा और तेल डालेंगे हम। ये सब तेल तो धीरे धीरे चला ही जाएगा अंदर। नमक से चख लेते थोड़ा, परफेक्ट है वो तेल जाएगा। थोड़ा तेल इसमें ज्यादा होना चाहिए, जितना तेल अच्छे से रखोगे आपका ये अचार 12 महीने तक एकदम मजेदार रहता है। अब इसको हम क्या करेंगे, बरनी में भर लेंगे। ये हमारा अचार एकदम बन के तैयार हो गया है। हमारा अचार अभी कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अचार को इस बरनी के अंदर डाल देंगे। ये पूरा अचार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अचार हम इसमें भर चुके हैं, अब ये सब भी हम डाल देंगे। थोड़ा और तेल डाल के इसके साथ डाल देंगे सब। इसके अंदर जब हमको 12 महीना अगर अच्छे से अच्छा रखना है, कुछ ना हो इसके अंदर खराबी, तो हमको कंप्लीट ये 8 दिन के बाद भी हमेशा के लिए 1 से 1.5 इंच तेल ऊपर रहना ही चाहिए, तभी हमारा अचार बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन के रहता है। इसके अंदर अभी हम और तेल डालेंगे और 2 दिन बाद पूरा डाल ही देते, क्योंकि हमको 1 लीटर तेल चाहिए ही चाहिए, ऐसे तेल रहना चाहिए। देखिए तभी हमारा अचार बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनेगा। इसके अंदर जो तेल है इतना ही तेल चाहिए। देखिए हमने बहुत सारा तेल अंदर भर दिया है, कि हम तेल अगर नहीं देंगे तो हमारा अचार खराब हो जाने का शक्यता रहता है, इसीलिए हमें अचार 12 महीना रखना है तो तेल एकदम अच्छे से देना पड़ेगा, फिर हम तैयार हो जाएगा। 1 महीना लगेगा आपको एकदम कंप्लीट होने में। ये हमारा एकदम बन के तैयार है। आप इस तरह बनाओगे और 1 मंथ तक बीच बीच में आपको, मतलब 2-3 दिन बाद, 2-2 दिन में 5-6 बार ऐसे करना है आपको, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसको चमचा बड़ा लेके, चम्मच लेके उसको पूरा हिलाना है अचार को अंदर से। और अगर जरूरत पड़े, आपको लगे कि तेल सब खत्म हो गया, कम हो गया, तो आप थोड़ा सा गर्म करके अंदर लाके डाल सकते हो। तो आप इस तरह बनाओगे और बहुत ही अच्छा बनेगा, वो मुझे बताओगे। सकीनास क्रिएटिव्स को आप याद रखोगे, ये मेरा वादा है। तो
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबाना प्लीज दोस्तों, भूलना मत। ओके फ्रेंड्स, बाय।